आइडेंटि ऑफ द ट्राइंगल अगर एक ट्राइंगल कांगल सिक्सटी डिग्री हो तो बताओ फिर वो कौन सा ट्राइंगल होता है तो एकटर ट्राइंगल e ही ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें हर एक एंगल जो है वो क्या होता है सिक्सटी डिग्री का होता है तो यहाँ आ जाएगा इक्यूलेटर ट्राइंगल क्लियर क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास वट इज द नेम ऑफ द ट्राइंगल है नाम बताओ जिसकी साइड इक्वल नहीं होती तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है वो होता है आपके पास स्केलेन ट्राइंगल थ्री है? है आपके पास इज द द द सम ऑफ 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 मेजर ऑल थ्री एंगल्स अ व एक एंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है तो तीनों एंगल्स का सम होता है आपके पास वन एटी डिग्री तो वन मार्क के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हुए कंप्लीट अब आते हैं टू मार्क्स के जो क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव है क्वेश्चन नंबर फोर है आपके इफ एंगल एक्स इज इक्वल टू फोर्टी डिग्री एंगल वाई इज इक्वल टू वन थर्टी टू डिग्री एंगल आपसे आप एक ट्राइंगल बना सकते हो तो देखो हम एक ट्राइंगल तभी बना सकते हैं जब इन तीनों एंगल्स का जो सम है ना वो वन एटी डिग्री हो तो देख लेते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड करके तो इसका मतलब फोर्टी प्लस का वन थर्टी टू प्लस का फोर्टी एट और जब आप इन तीनों को प्लस करने वाले हो ना तो इन तीनों को प्लस करके आएगा टू ट्वेंटी जो कि वन एटी से ज्यादा है ठीक है मैं यहां लिख देती हूं ब्रैकेट में ग्रेटर देन वन एटी ठीक है तो क्या ट्राइंगल बन सकता है नो ट्राइंगल एक्स वाई जेड कैन नॉट बी फॉर्म ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ गए यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं इफ वन एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल इज 38 डिग्री देन व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ थर्ड एंगल देखो आपको कह रहा है आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल का तो मतलब ही यही होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो ठीक है और एक और एंगल आपको दे रखा है कितना थर्टी डिग्री ये वाला आपको नाइनटी बताइए आपसे थर्ड एंगल पूछ रहे हैं तो थर्ड एंगल को हम एक्स मान लेते हैं और हमको पता है कि एक के टू में तो 180 होगा। ठीक है? अब जब आप नाइनटी में थर्टी एट को प्लस करेंगे तो वन ट्वेंटी एट आ जाएगा तो वन ट्वेंटी का एक्स इज इक्वल टू में वन एटी डिग्री यहाँ से अगर आप अपनी एक्स की वैल्यू निकालो तो आ जाएगा 180 का 128। ठीक है ना अब आप क्या करो वन ट्वेंटी एट को माइनस कर दो वन एटी में से तो फिफ्टी टू

इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू में क्या होता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है ना तो ये इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 60 प्लस सिक्सटी फाइव डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा एक्स के तो यहाँ से एक्स निकल के आ गया आपके पास 125 डिग्री क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन पे आ गए यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं फाइन लेंथ ऑफ साइड ए सी इन द गिवन फिगर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल देखो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है और ये ए सी आपको निकालना है ठीक है जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं इसमें पाइथागोरस तो थ्योरम लगा सकती हूँ हमने समझी थी ना पाइथागोरस तो थ्योरम क्या होती है तो क्या था वो सी का स्क्वायर इज इस इक्वल्स टू में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ठीक है ना तो यही आपका सी का ये आपके पास सी है यहाँ पर इसको ए मान लो इसको बी मान लो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर इज इस इक्वल्स टू में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर ठीक है अब ए सी नहीं पता उसको ऐसे ही छोड़ दो ए सी के स्क्वायर को ए बी मतलब नाइन तो नाइन का स्क्वायर बी सी मतलब ट्वेल्व तो ट्वेल्व का स्क्वायर नाइन का स्क्वायर मतलब नाइन नाइन या एटी वन ट्वेल्व का स्क्वायर मतलब ट्वेल्व ट्वेल्व या वन फोर्टी फोर अब जब आप वन फोर्टी फोर में एटी वन को प्लस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर तो एसी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास टू टू फाइव

ये आपके पास यहाँ पर लैडर है इनके बीच का एंगल यही वाला तो है जो आपसे पूछ रहा है तो ये तो आपका नाइन्टी डिग्री होगा वॉल है स्ट्रेट है तो ये नाइन्टी डिग्री होगा आपको पता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है वन एटी डिग्री तो दो एंगल्स अगर मैं यहाँ पर देखूं, तो मुझे यहाँ पर नाइन्टी प्लस 50 जो है वो वन दे रखे हैं तो फिर थर्ड एंगल कितना होगा इसमें से माइनस कर दूंगी तो फोर्टी डिग्री ही तो होगा तो इसका मतलब ये वाला एंगल 40 डिग्री है। तो लेडर और वॉल के बीच का एंगल कौन सा हो गया फोर्टी डिग्री तो ए इसका आंसर आ गया क्लियर देन नेक्स्ट में नाइन्थ में क्या कह रहे हैं वट इज द ऑप्टूज एंगल बिटवीन द लेडर एंड ग्राउंड अब लेडर और ग्राउंड के बीच का ऑप्टूज एंगल तो देखो लेडर ये है और ग्राउंड ये है आपके पास तो इनके बीच का एंगल तो यही वाला होगा ना ये तो फिफ्टी डिग्री है तो तो क्वेश्चन तो मतलब मार्क बनाया वो और फिफ्टी डिग्री ये दोनों मिलके तो, लीनियर बना रहे। तो इसका मतलब अगर ये फिफ्टी है तो ये कितना होगा वन एटी माइनस फिफ्टी कर देती हैं ठीक है ना लीनियर पेयर का सम यही तो होता है वन एटी तो जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा वन थर्टी तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपके पास वन थर्टी डिग्री क्लियर

किसका स्क्वायर होता फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा इसी के साथ आपकी ये असेसमेंट वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है अब हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा